जम्मू कश्मीर में आए दिन सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक रिसेंटली केस आया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरेज से, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है बंदीपुरा कश्मीर रीजन से, जहां पे एक कॉलेज के, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की सबऑर्डिनेट ने वहां के प्रिंसिपल के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज किया है। पुलिस ने भी इस केस को दर्ज कर लिया है अंडर सेक्शन 354A 506 IPC। ये जो केस है वहां की फीमेल कॉलेज एम्प्लॉय ने रिटर्न में पुलिस के पास दर्ज किया। Every student has a wish to speak in English with fluency, but due to lack of comprehensive, interactive and translated content, one fails to do it. The trilingual English booster book with Urdu and Kashmiri translation provides you a golden chance to boost your English proficiency. The way it did for me. गवर्नमेंट डिग्री गुरेज की फीमेल एम्प्लॉय ने ये जो केस दर्ज किया है जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि GDC गुरेज प्रिंसिपल के द्वारा उन्हें कॉन्टिन्यूसली सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पुलिस है, पुलिस ने भी फॉर्मली इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है, इस मैटर में जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी है। SHO गुरेज का कहना है कि ये जो FIR है ये ऑफिशियली दर्ज की गई है और ऑफिशियली इस पे जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो स्टार्ट हमने कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो फीमेल एम्प्लॉय है ये पुलिस के पास पहुंची, इन्होंने प्रॉपर प्रिंसिपल के खिलाफ हमें रिटर्न में जो इनके खिलाफ कंप्लेन करी, और ये भी इन्होंने बताया है कि क्लास के समय में जो ड्यूटी के आवर्स होते थे वहां पे इन्हें लगातार सेक्सुअल हरास किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रिंसिपल के द्वारा उस फीमेल कर्मचारी को बार बार गंदे तरीके से टच करने की कोशिश की जाती थी और गलत कमेंट किए जाते थे। और वहां के एक बुजुर्ग का ये भी कहना आया कि जैसे कि ये जो हरासमेंट है ये अभी एक एम्प्लॉय के साथ हो सकती है, आने वाले समय में यहाँ पे जो बच्चियां पढ़ती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इनके साथ भी इस तरह के केस देखने को सामने मिल सकते हैं। तो पुलिस को सीरियस और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए GDC के प्रिंसिपल के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सबसे पहले वो जो महिला थी, जो एम्प्लॉय थी, उन्होंने कोशिश की थी कि सबसे पहले कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट अथॉरिटी तक अप्रोच की जाए, बट जब वो गई इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। पर जब उसके बाद वो यहाँ पे फेल हो गई तो फाइनली उन्हें पुलिस का दामन थामना पड़ा और पुलिस के द्वारा वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो SHO हैं, उनके द्वारा ये आश्वस्त करवाया गया है कि जो महिला है उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी, प्रॉपर जो इंसाफ है वो मिलेगा, और इस मामले में जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जुड़े रहिए द टाइपराइटर के साथ, रोहन चौधरी।